दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की थी और इंद्र देवता अहंकार तोड़ दिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई थी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी पूजा की जाती है, जिससे सभी व्यक्तियों के सभी कष्ट मिट जाते हैं। यदि आप अपने घर में गोवर्धन पूजा नहीं कर सकते हैं या करने वाले हैं तो भी आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताएंगे जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपको गोवर्धन की पूजा के बराबर का ही फल प्राप्त होगा, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, पूरे उपाय को ठीक तरीके से समझ लें। आज की वीडियो में जो हम आपको उपाय या टोटका बताने वाले हैं वह बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों हर किसी को आज के समय में अच्छी लाइफ चाहिए, इसमें पैसा भी हो, सक्सेस भी हो और सब सुख भी हो। लोग इसे पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन कई बार उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। हालांकि कभी किसी चीज को पाने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ मेहनत भी जरूर होती है। कई बार मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट ना मिले तो उसके साथ ही अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं या इन ज्योतिषीय उपायों की मदद ले लेते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा सफलता का मार्ग खुलते हुए दिखाई देता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप करते हैं तो आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंगबली अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज के समय में हर किसी के घर में एक तुलसी का पौधा तो होता ही है। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक होता है। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते हुए अगर आप विशेष मंत्र बोल दें तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा के लिए भर जाती है और सुख समृद्धि का भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी और साथ ही साथ तुलसी माता से आपको ऐसा वरदान प्राप्त होता है कि आपके घर में धन और सुख 1000 गुना बढ़ जाता है। वहीं साथ ही साथ रोग शोक बीमारी आदि सभी से आपको छुटकारा भी मिलता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य उगाएं। दोस्तों हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है जिसके अनुसार अगर व्यक्ति अपना जीवन जिए तो उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती। कहा जाता है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो परेशानियों से पूरी तरह मुक्त होगा। हर किसी के जीवन में दोस्तों थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती ही है, या ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा कि परेशानी हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है। बिना परेशानी के कोई भी मनुष्य नहीं है, लेकिन जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं और भगवान की पूजा पाठ आदि से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी जीवन जीता है। वहीं जो लोग धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके जीवन में कई तरह के दुख अपना घर बना लेते हैं। शास्त्रों में सूर्य उदय और सूर्यास्त के महत्व के बारे में बताया गया है। ये दोनों समय पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस समय पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का खत्म हो जाती है और अंत हो जाता है और साथ ही साथ भगवान से धन प्राप्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी हमेशा के लिए प्राप्त होता है। सुबह और शाम को यानी सूर्य उदय के वक्त और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ आदि करने से परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सुबह सूर्य उदय के समय उठकर नहाने के बाद सूर्य को और तुलसी को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी को जल चढ़ाना ही क्यों दोस्तों, तुलसी को छू लेने मात्र से भी मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसके पापों का अंत होता है। वहीं तुलसी पर दीपक जलाने का भी विधान है। सूर्यास्त के समय तुलसी के पौधे के समक्ष एक दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही एक मंत्र जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि इसका जाप किया जाए तो इससे व्यक्ति को जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और मुक्ति मिलने के साथ ही उसके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता मिट जाती है। तुलसी के पौधे के बारे में कहा जाता है कि बिना तुलसी के पौधे के श्री नारायण की पूजा सफल नहीं होती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की अभिलाषा होती है, धन प्राप्ति की इच्छा होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कठोर से कठोर परिश्रम करता है, हर संभव प्रयास करता है कि वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाए। लेकिन दोस्तों भगवान नारायण की पूजा करने के बिना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना नामुमकिन है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी की पूजा नियमित रूप से करता है उसे श्री हरि विष्णु खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों तुलसी के पौधे को केवल छू लेने से भी व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं और उसे अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।
व्यक्ति जन्मों जन्मों के पाप से और दरिद्रता से हमेशा के लिए तर जाता है। तुलसी के पौधे को स्वर्ग का पौधा भी कहा जाता है। इसमें कई देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार अगर घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगाया जाए तो इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। तुलसी के पौधे को सुबह जल चढ़ाने और शाम के समय उसके नीचे एक दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और धन आने के नए नए मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप शाम के समय दीपक जलाएं तो एक मंत्र जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं उसका आपको 11 या 21 बार आपको उसका जाप करना चाहिए। दोस्तों, मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तव नमस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ है, हे तुलसी, आप जीवन में सभी प्रकार से सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। हमेशा आप लोगों की बीमारियों को दूर करके उन्हें स्वस्थ रखती हैं। आपको हमेशा नमस्कार है। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 11 या 21 बार जाप कर लेने के बाद हाथ जोड़ करके तुलसी माँ से अपनी सभी मनोकामना को एक बार बोल देना है। उसके बाद आप इस दीपक को उठा करके अपने घर में एक चक्कर लगाएं ताकि सभी जगह, सभी घर के सभी स्थानों को तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा करने मात्र से आपके सभी पापों का अंत होने के साथ साथ आपकी सभी समस्याओं का भी अंत हो जाता है और आपकी मनोवांछित इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही साथ आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण होकर के आपके धन कमाने की सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। जितना भी धन आपको अपने जीवन में चाहिए होता है उसका आशीर्वाद आपको माता लक्ष्मी और माता तुलसी के द्वारा मिलता है और इसी उपाय से श्री हरि विष्णु का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे आपके जीवन की धन कमाने की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मैं इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जय बजरंगबली।